To give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. An academy combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.

पहला लेक्चर इस टॉपिक का डेट इज अलका ऑफ द वॉटर मेरे दोस्त अगर हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें डेट इज अल्टी हार्डनेस एंड अगर इस पे रिलेटेड न्यूमरिकल्स तो मेरे दोस्त गेट या कोई भी स्टेट एग्जाम या कोई भी पी या कोई भी आप एग्जाम लिखने जाते हो तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत है सवाल इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं चाहे वो डायरेक्ट थ्योरेटिकल सवाल हो चाहे वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सवाल हो

तो मेरे दोस्त यू सी यू कैन सी अ 10 इट्स नॉट जस्ट कोड माय डिफरेंट इमोशन जॉब को डिफरेंट प्लेटफॉर्म करता है टेन परसेंट डिस्काउंट बट ऑल्सो टू गेट माई में लर्निंग एप एंडो मी ओवर बिकॉज एर लॉट ऑफ पीस स्पेशल गोइंग ओवर जहां पर आप

And मेरे दोस्त डाइन इंप्रूवमेंट बैच जहां प्रैक्टिस कर सकते हो सो ऑल दिसकॉनिक के लिए जाते हो यूजिंग कोड भारे तो आपको प्लस के सारे एडवांटेज मिलते हैं लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी वर्कआउट सेशन जो भी टेस्ट लिखोगे उसका इनिसनिक इन एक्शन टू द प्लस साथ ही साथ जो आपके मेंटर होंगे वो ऑलरेडी ट ये को अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर लिए होंगे दैट विल बी मेंटरशिप तो आप इसको यूज कर सकते हो आप बेस्ट वे में अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो एंड अगर आपका नया बैच का बात करें तो इरिगेशन आपका शुरू हो गया कल से बाई दूषणीन पी एम सेवन एम तो आप उसको प्लान कर सकते हो और मेरे दोस्त रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो कि हम बोलते हैं वो भी स्टार्ट होने वाला है कब से दैट इज फ्रॉम थर्टींथ ऑफ दिस मंथ थर्टींथ ऑफ अक्टूबर सो यू कैन प्लान इट Using the code और मेरे अगर आप गेट ट्वेंटी के लिए प्रिपेयर हो ठीक है तो आपके पास गोल्डन ऑपरचुनिटी आ गई क्योंकि 12 पे 4 आते मेरे दोस्त अल्टी ऑफ द वॉटर सर रैंक इंप्रूव बच का सब्सिप्शन के लिए नहीं मिल सकता नहीं बेटा यू है

तो इसके लिए आप तैयार रहना ठीक है तो अलकिटी का मतलब क्या है इट इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स इट इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड ये क्या होता है ये पानी की एबिलिटी है किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ठीक है बात समझ आए इट इज एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स हम ये बोल सकते हैं दैट इज द अल्कॉलिटी ऑफ वाटर या एसिड्स के जगह हम क्या बोल सकते हैं प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन ये भी बोल सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोनियम आयन क्लियर है बात तो अगर हम अलकांटी का सिंपल डेफिनेशन बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ वाटर इट इज द एबिलिटी ऑफ वाटर जो भी आप सैंपल ले रहे हो उस पानी की बात कर रहे हैं टू न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज एसिड्स या तो आप एसिड्स बोलते दो या आप क्या बोल सकते हो हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन का मतलब है एच प्लस आयन टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयन क्लियर है बात इसको हम बोलते हैं अलकंठी अब अगर हमको ये कटायन है दिस इज कटायन बोलो हायना H प्लस आपका दो आ, अगर चार्जेस होते हैं या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं हम अनायन बोलते हैं ठीक है सो यू आर अ पॉजिटिव चार्ज दैट मीन यू आर हैविंग कटायन तो कटायन को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमको क्या चाहिए होगा अगर हमको कटायन को न्यूट्रलाइज करना है तो हमको क्या चाहिए होगा जल्दी से बताएंगे इफ आई नीड टू न्यूट्रलाइज द मेरे को क्या दीड अनायन आई नीड अनायन तो क्या हम बोल सकते हैं कि जनरली जनरली अलकालिटी इज गिवन बाई इज गिवेन बाई अनायंस क्या हम बोल सकते हैं कि अलकालिटी पानी में अनायंस के कारण होता है मतलब निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स के कारण होता है बोलो हाँ या ना यस yes? बात समझ में आया सो so, अब मेरे दोस्त यहां तक पॉइंट क्लियर है तो इतना समझ में आ गया भाई अल्कालिनिटी का बात करेंगे H प्लस को बैलेंस करना है H प्लस इधर कटा बैलेंस करने वाला निगेटिव चार्ज आय होना चाहिए ठीक है बात अब समझोगे बात को ध्यान से सो वट आर द आयन

ठीक ओ एच माइनस इसको हम क्या बोलते हैं यस yes, इसको हम क्या बोलते हैं तो बता सकता है कौन सा अल्कांटी है ये कौन सा अलकांटी है ये हाइड्रोक्साइड क्या नाम देते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्की व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्की जैसे आप कार्बोनेट को बोलते हो सीओ थ्री टू माइनस इस कार्बोनेट अलकालिटी कार्बोनेट अलकालिनिटी उसी तरीके से ओ एच माइनस को हम क्या बोलते हैं कॉस्टिक अलकालिनिटी क्या नाम देते हैं बच्चा इसका नाम है कॉस्टिक अलकाल और तीसरा आपका मेजर आयन है एक्सी थ्री माइनसोनेट अल्काल्बोनेट अल्टी ठीक है बात यहां तक कोई डाउट सो दीज आर द मेजर आयंस डेट कॉज द अल्काली दीज आर द मेजर आयंस डेट कॉज द अलकाली क्लियर है बात ये मेजर आयंस है जो अल्काली कॉज करता है अच्छा अब माइनर आयंस कौन कौन हो सकते हैं माइनर आयंस अगेन इट विल बी इट विल बी जनरली इट विल बी वॉट जनरली इट विल बी है निगेटिव चार्ज अन आयंस होंगे तो यहां पर कौन कौन आ जाएंगे कंपाउंड ऑफ कंपाउंड ऑफ बोरॉन बोरोन सिलिकन ठीक है सिलिकन ठीक है देन यू हैव फॉस्फोरस फॉस्फोरस एक्सेट्रा तो ये माइनर आयन है, 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 है तो हमारा जो फोकस होगा मेजरली इन तीन पे होगा सो so, ये तीन कार्बोनेट राइट सो दीज आर दर आय कॉजिंग द अलकालिटी इन द वॉटर या दीज आर द मेजर आयंस न्यूट्रलाइजिंग द हाइड्रोनियम आयंस इन द वॉटर इज दिस इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल पहला पॉइंट क्लियर है पहला पॉइंट क्लियर है सो अल्कालिनिटी अल्कालिनिटी का बेसिक पॉइंट अभी हमने आपको बता दिया द बेसिक पार्ट ऑफ द अल्कालिनिटी मैंने आपको भी बता दिया अब मेरे दोस्त अगर अल्कालिटी में ओएच माइनस है कार्बोनेट बाई कार्बोनेट है तो वट कैन बी द पॉसिबल सोर्स पॉसिबल सोर्स क्या हो सकता है ये जो ओ माइनस आयन या कार्बोनेट आयन या बाई आयन कहां से आ सकता है ये कहां पे मिलेगा कैसे मिलेगा कौन बताएगा बताएंगे बेटा मेरी लाइव क्लास जनरली 8:30 पे ही होती थर्टी पी एम टू टेन पी एम भाई। ना अगर हमको ये समझ में आ गया अगर हमको ये समझ में आ गया इफ अंडरस्टूड दैट दीज आर द आयंस या बोल सकते दीज आर दॉ इन द वॉटर राइट तो अब मुझे आप यह बताओ कि इनका सोर्स क्या हो सकता है अब कुछ याद करते हैं कुछ याद ये करते हैं कि अगर डिजॉल्व सॉलिड्स का बात करें तो डिजॉल्व सॉलिड्स का एक सोर्स था डिजोल्व सॉलिड का एक सोर्स था इनऑर्गेनिक सोल्ट इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट की बात करें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड है ना पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेड पोटेशियम नाइट्रेट तो कुछ समझ में आ रहा है कि भाई ये एक सोर्स है जहां से मेरे को कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ये सब मिल सकता है मिल सकता है क्या मिल सकता है क्या देखो रट्टू तो मत बनो कि सर इनऑर्गेनिक जैसा कुछ होगा ऐसे कुछ नहीं होता सब कुछ लिंक होता है बच्चा एवरीथिंग इज लिंक डिजोल्ड सॉलिड्स जब आप पढ़े हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि डिजॉल्व सॉलिड्स का वन ऑफ द फॉर्म फॉर्म वन ऑफ ऑफ द द गेटिंग डिजॉल्व सॉलिड इज वॉट Is your salts. जहां पे आपके जो कटायंस होते हैं कटायंस कैन बी सी ए टू प्लस एमजी टू प्लस के प्लस है ना ये सारे आपके क्या हो सकते हैं कटायन हो सकते हैं है सारे, सारे क्या हो सकते हैं कटायन हो सकते हैं और अनायंस क्या होंगे अनायंस कैन बी क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट राइट इट कैन बी योर कार्बोनेट बाई कार्बोनेट कार्बोनेट बाई कार्बोनेट दिखा आपको राइट सो दिस कैन बी अ पॉसिबल सोर्स ऑफ योर अलकांटिन द वॉटर तो सबसे पहला क्या बोल रहे इनऑर्गेनिक 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 मिनरल सॉल्ट इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट यह पॉइंट क्लियर हुआ सबको इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट तो यह वो आपका पहला सोर्स दूसरा सोर्स क्या हो सकता है दूसरा सोर्स क्या हो सकता है

इन वॉटर इस कारण से आप एक और बोलते हैं डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर जब ऑर्गेनिक मैटर डीकोज किया जाएगा तो डिकोज होने के दौरान वो कुछ गैसेस रिलीज करेंगे एंड डोज गैसेस या कुछ प्रोडक्ट रिलीज करेंगे जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जब एरोनिक मैटर जब एरो तो एरोबिक कंडीशन में जो ऑर्गेनिक मैटर को आप डिकम्पोज कर रहे हो ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वहां पे क्या रिलीज होता है कार्बोनेट हिट किया कार्बोनेट फॉस्फेट सल्फेट नाइट्रेट कार्बोनेट हिट किया हिट किया कि नहीं किया यस सो डेट कैन बी अ सोर्स ऑफ डिजोल्वर मतलब डेट कैन बी अ सोर्स ऑफ इन द वाटर कार्बोनेट हिट किया कि नहीं किया एकदम किया क्लियर है चलो नेक्स्ट थर्ड इज योर डिजोल्व गैसेस इन वाटर गैसेस इन वाटर। अब से क्या समझ रहे हैं क्या समझ रहे हैं यह रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना बहुत जरूरी है इससे भी सवाल आता है प्लीज एव यू फोकस मजा आ रहा है मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो चीज लिख रहे हो लेकिन उसका मतलब समझो कि क्यों है Why I am writing dissolved mineral salt? Why I am writing dissolved organic matter? Why I am writing dissolved gases in the water? अगर ये समझने लगें ना रटना खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे। So my dear friend, dissolved gases। जैसे एक gas अभी हमने बात किया CO2। एक gas हमने बात किया CO2। तो CO2 जब पानी में रहेगा तो पानी में मिलके ये क्या बना देगा इट विल फॉर्म एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एच टू सीओ थ्री राइट इट विल फॉर्म एच टू सी ओ थ्री ठीक है मेरे दोस्त एच टू सीओ थ्री ना इट विल कन्वर्ट टू एच सी ओ थ्री माइनस जब pH पानी का pH इज ग्रेटर देन एट पॉइंट थ्री जब पानी का पीएच 8.3 से ज्यादा होगा तो एच टू सी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एस सीओ थ्री माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस बना देगा अगर पॉइंट फोर से या फोर पॉइंट फाइव से कम हो यह रिवर्सिबल रिएक्शन है ठीक है डिपेंड्स ऑन पी एच ऑफ द वॉटर इट डिपेंड्स ऑन द एच ऑफ द वॉटर अगला बात एच थ्री माइनस फर्दर फॉर्म क्या कर सकता है एच थ्री माइनस फर्दर फॉर्म क्या कर सकता है इट विल फॉर्म सीओ थ्री टू माइनस ठीक है तो यहां तक तो ठीक अब कार्बोनेट इट रिएक्ट विद द वाटर टू गिव एच थ्री माइनस एंड ओ एच माइनस एंड ओ एच माइनस ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखो यहां पर तो मेरे दोस्त समझोगे कार्बन डाइऑक्साइड से मुझे कार्बोनेट भी मिल रहा है बाइकार्बोनेट भी मिल रहा है और हाइड्रोक्साइड भी और डिटेल में बात करेंगे इस इस आपको क्या दिखा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मुझे क्या मिल गया कार्बोनेट भी मिल गया बाई कार्बोनेट भी मिल गया और ओ एच माइनस भी मिल गया यस क्लियर है बात अब मेरे दोस्त यहां तक ये तीन रिएक्शन आसानी से हो जाता है लेकिन चौथे रिएक्शन को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए कोई भी रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन को करने के लिए सर्टेन एनर्जी चाहिए होगा भैया कोई भी रिएक्शन होने के लिए सर्टेन उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए जिसके कारण वो रिएक्शन हो सके अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगा तो उस रिएक्शन को होना पॉसिबल नहीं होता वो वीक रिएक्शन कहलाता है तो मेरे दोस्त ये जो लास्ट रिएक्शन आप देख रहे हो ये बड़ा वीक रिएक्शन है दिस वीक रिएक्शन अब अगर यहां पे ध्यान दो सो देयर इज अ प्रोडक्ट देयर इज अ प्रोडक्ट दैट इज बाई कार्बोनेट इज अ प्रोडक्ट दैट इज बाई कार्बोनेट अब इस बाई कार्बोनेट से में एक पार्ट है कार्बन अब ये कार्बन एल्गी का फूड है क्योंकि आउट ऑफ दिस कार्बोनेट मतलब सीओ थ्री टू माइनस है और एच सी थ्री माइनस है एल्गी बाई कार्बोनेट का कार्बन को जल्दी खा सकता है ठीक है लेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज देयर सो ये आपका एल्गी का फूड है ठीक है दिस इज अ वीक रिएक्शन ये कैसा रिएक्शन है वीक रिएक्शन है लेकिन अगर एल्गी प्रेजेंट है एल्गी प्रेजेंट है सैंपल में तो एल्गी क्या करेगा क्या बोलेगा

क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है बात बोलो अरे बेसिकली हो क्या रहा है भाई पानी में तो सारा रिएक्शन हो रहा है बेसिकली पानी में ही तो सारा रिएक्शन हो रहा है यहां पे H प्लस कहां से आएगा क्लियर है अरे क्लियर है बोलो यार इज इट क्लियर इज इट क्लियर बोलो भाई तो अब अगर एल्गी सिस्टम में प्रेजेंट है तो बाई तो फॉर्म हो रहा है लेकिन साथ साथ ओ OH माइनस भी फॉर्म हो रहा है जितना ओ माइनस सिस्टम में बढ़ेगा उतना सिस्टम का पीएच बढ़ेगा या घटेगा जितना ओ माइनस सिस्टम में बढ़ेगा उतना सिस्टम का पीएच बढ़ेगा या घटेगा ओ OH माइनस बढ़ेगा पीएच बढ़ेगा जितना ज्यादा ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन होगा ठीक है जितना ज्यादा ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा पीएच बढ़ेगा उतना ज्यादा पीएच होगा राइट तो पीएच विल इंक्रीज पीएच विल इंक्रीज क्लियर बात तो हुआ क्या एल्गी ने कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट कन्वर्ट किया टू तो यूटिलाइज इट्स कार्बन और इस दौरान उसने सैंपल में ओएच माइनस भी जेनरेट कराया जिसके कारण सैंपल का पीएच क्या हो गया बढ़ गया यह बात समझ में आया और अगर सैंपल का पीएच बढ़ गया तो हम ये जनरल बात लिखते हैं डेट इफ एल्गी इज प्रेजेंट इन द सैंपल इफ प्रेजेंट इन रॉ वॉटर इफ एल्गी प्रेजेंट इन रॉ वॉटर द पीएच ऑफ सैंपल इज पीएच ऑफ सैंपल इज एट टू टेन इज इट क्लियर टू एवरी वन बोलो बात क्योंकि पीएच हाई होता है ठीक है पीएच बढ़ेगा तो इट विल क्रॉस द सेवन स्टेट आपका ये किसको, किस चल जाएगा ये बेसिक एनवायरमेंट में चल जाएगा ओ एच माइनस का जनरेशन होने के कारण पीएच आपका बढ़ के कहां पे पहुंच जाएगा आठ से दस के करीब होता है ये जो जनरल पाया जाता है क्लियर यहां तक क्लियर है यहां तक इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल आई होप आप लोग को एरोबिक का मतलब पता होगा। एरोबिक या anaerobic, जब आप डिकम्पोजिशन तो में ड्यूरिंग एरोबिक डीशन द एंड प्रोडक्ट इज कार्बोनेट बाई कार्बोनेट एट कार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट और एनरॉबिक डिकम्पोजिशन में

तो ये तो बात हो गया सोर्स का ये तो बात हो गया सोर्स का अब अगर पानी में कार्बोनेट है बाई कार्बोनेट है OH मतलब प्रेजेंट है तो अलकंटी अगर आपके पानी में प्रेजेंट है तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या कर देगा गिव बीटर टेस्ट ये क्या दे देगा गिव बीटर टेस्ट बीटर टेस्ट बीटर मतलब क्या होता है कड़वा बीटर मतलब क्या होता है कड़वा टेस्ट मतलब क्या होता है कड़वा टेस्ट ठीक है सेकेंड पॉइंट माय डियर फ्रेंड आपके पास सर्टेन क्या है अलका्टी कौन दे रहा है अनायस दे रहा है अब अगर कुछ कटायन मिनरल्स से रिएक्ट कर ले और प्रेसिपिटेट बना दे जैसे जैसे सीए टू प्लस प्लस सीए सीओ थ्री टू माइनस इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट सी ए सीओ थ्री दिस इज द प्रेसिपिटेट

नीचा के क्या हो रहा है पाइप के बॉटम में आपको क्या होता दिख रहा है कि भैया पाइप के बॉटम में ये क्या हो रहा है सेटल हो रहा है ठीक है ये पाइप के बॉटम में क्या हो रहा है सेटल होते जा रहा है तो अगर ये पाइप के बॉटम में सेटल होते जा रहा है तो अब ये बताओ जिस डिस्चार्ज के लिए तुमने इसको बनाया था जिस डिस्चार्ज के लिए तुमने पाइप को डिजाइन किया था क्या उस डिस्चार्ज से तुम फ्लो करा पाओगे यस क्या उस डिस्चार्ज से तुम फ्लो करा पाओगे जिस डिस्चार्ज के लिए तुमने इसको बनाया था या उस डिस्चार्ज से तुम पाइप में फ्लो करा पाओगे अगर ये प्रेसिपिटेट नीचे फॉर्म होना शुरू हो गया बताएंगे मेरे दोस्त बताएंगे मेरे दोस्त यस बोलो भाई जल्दी बताओ फ्लो के दौरान प्रेस्टेट बनना शुरू हो गया ये नीचे सेटल होते गया आपने डिजाइन किया था डिस्चार्ज फुल वॉल्यूम वौ, पे फ्लो तो क्या आप इसका डिजाइन कर पाओगे नहीं कर पाओगे ऑब्वियस सी बात है अगर बनना कम हो गई तो इसी को क्या बोलते हैं इंक्रास्टेशन इसी को क्या बोलते हैं इंक्रास्टेशन इट लीड्स टू इंक्रास्टेशन इंक्रास्टेशन इसी को बोलते हैं इट लीड्स टू इंक्रास्टेशन इज इट क्लियर बात समझ में आई इसी को हम क्या बोलते हैं इंक्रस्टेशन क्लियर है बात तो इट मे लीड टू इट मे लीड इट लीड्स टू इट लीड्स टू इंक्रस्टेशन इन पाइप्स इंक्रस्टेशन इन पाइप्स कोई भी पार्ट अभी तक रटे हो क्या कोई भी पार्ट लिविंग दिस बीटा टेस्ट लिविंग दिस बीटा टेस्ट कोई भी पार्ट रटे हो आप कोई भी पार्ट रटे हो लिविंग दिस बीटा टेस्ट क्योंकि ये तो भैया प्रॉपर्टी है लिविंग दिस, कोई भी पार्ट आप रटे हो अभी तक चल सो दैट इज अबाउट द इंपैक्ट एंड द सोर्स क्या होगा इंपैक्ट क्या होगा उसके बारे में हमने बात किया ठीक है सोर्स क्या होता है इंपैक्ट क्या होता है इंक्रस्टेशन क्या होता है भाई कुछ नहीं बेटा ये क्या हुआ सेटल हुआ तो पाइप के नीचे जो जमा हुआ ना जो सेटल पार्टिकल दिखा जो सेटल्ड आपका मैटर दिखा उसको हम बोल रहे हैं क्या दैट सेटल्ड मैटर उसमें जनरली वो सस्पेंडेड सॉलिड का फॉर्म दिखेगा दैट सेटल्ड सस्पेंडेड सॉलिड दैट वी आर गोइंग टू से एज व्हाट एज द इंक्रस्टेशन वो फेनोमेना उसका नाम दिया चलिए ओके okay. यहां तक, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे मेरे दोस्त सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे देखिए आ गया ना देखो हम किसी भी पैरामीटर अगर हम पानी के पैरामीटर की बात करते हैं तो हम चार चीज देखते हैं सोर्स इंपैक्ट मेजरमेंट लिमिट जो हमारा पूरा एनालिसिस बोलते हैं अब मेरे दोस्त हमारे ये जो अल्कालिटी का पार्ट है इसमें मेजरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इससे तो अब इसको मेजर करने के लिए हमने कुछ इंडिकेटर यूज करने हैं तो बेसिकली हमारे पास दो इंडिकेटर है ठीक है एक आपका है फेनोपथिलीन फेनोपथिलीन और दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज एक आपका फेनोक्थिलीन होता है बेटा दूसरा हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज ठीक है बात िन एंड द सेकेंड इज दिथाइल दो इंडिकेटर हम यूज करने जा रहे हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टी ठीक है तो भाई इंडिकेटर है तो इंडिकेट करेगा थोड़ी ना करेगा इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट इट इज गोइंग टू इंडिकेट हाउ द सैंपल इज गोइंग टू मतलब आपका टाइट्रेशन कैसे काम कर रहा है या सैंपल क्या हो रहा अभी तो समझो बात को फेनोक्लिन अगर इंडिकेटर के बारे में पढ़ोगे तो इसका पी मतलब जिस जो इसका वर्किंग पीएच होगा वर्किंग पीएच इज बिटवीन 8.6 टू 10.3 कहां से कहां तक आठ पॉइंट छ से लेकर वर्किंग पीएच। अब वर्किंग पीएच का मतलब क्या बताते हैं वर्किंग पीएच का मतलब क्या बताते हैं देखो दिस फेनोक्लिन का जो ओरिजिनल कलर है अगर फेनोक्थलीन को तुम देखोगे मतलब कोई सैंपल में आप डाइल्यूट नहीं कर रहे हो तो ओरिजिनल कलर देखोगे इसका कोई कलर नहीं होता इसको कलरलेस होता है कैसा होता है कलरलेस और जब तुम इसको इसके वर्किंग रेंज में डालोगे वर्किंग कंडीशन में डालोगे तो ये कलर हो जाता है पिंक अब इसका मतलब समझना सब लोग ध्यान से अब इसका मतलब समझना सब लोग ध्यान से वर्किंग कंडीशन का क्या मतलब आपने फेनोथिल को एक सैंपल में डाला अगर उस सैंपल का पीएच अगर उस सैंपल का पीएच 8.6 से लेकर 10.3 हुआ क्या हुआ 8.6 से लेकर 10.3 हुआ तो फिनोप्टरीन जो कलरलेस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिनोप्टरीन जो कलरलेस था जो ओरिजिनल क्या था कलरलेस था अगर तुम नॉर्मल इसको बाहर रखोगे तो कैसा दिखेगा कलरलेस दिखेगा अगर तुम इसको सैंपल में डालोगे किसी भी वाटर सैंपल में ठीक है जिसका पीएच 8.6 से 10.3 है तो मेरे दोस्त वहां पे क्या हो जाएगा सैंपल का पीएच बद, मतलब सैंपल का कलर बदल जाएगा किस में पिंक में द सैंपल कलर विल टर्न इनटू पिंक अगर पीएच सैंपल का 8.6 से 10.3 है अच्छा ऐसा अगर क्या होगा अगर सैंपल का पीएच 10.3 से ज्यादा है या क्या होगा अगर सैंपल का पीएच 8.6 से कम है आपने फेनोप्टिलीन ऐड किया व्हाट विल हैपन व्हाट विल हैपन हमने बोला सैंपल का कलर हो जाएगा पिंक अगर सैंपल का पीएच 8.6 से 10.3 है आपने ऐड किया क्या आपने ऐड किया फिनोफ्थेलिन अब मैं पूछ रहा हूं अगर सैंपल का पीएच 8.6 से कम हुआ या सैंपल का पीएच 10.3 से ज्यादा हुआ तो सैंपल का कलर क्या बन जाएगा इट विल चेंज टू कलरलेस जो फिनोफ्थेलिन का ओरिजिनल कलर है बात समझ में आया यह बात समझ में आया बोलोगे बच्चा अब ये सब बहुत लोग समझते ही नहीं है खाली रट लेंगे पिन टू कलरलेस पिन टू कलरलेस ऑरेंज रेड टू लोग लो, और कुछ नहीं करते हो वर्किंग रेंज में अगर नहीं है अगर तुमने इंडिकेटर को डाला और इंडिकेटर का वर्किंग रेंज नहीं है तो अपना ओरिजिनल कलर देगा वो कलर अपना पिंक देगा ही नहीं इज इट क्लियर इज इट क्लियर ये पॉइंट सबको समझ में आया अगर ये पॉइंट समझ में आया तभी तुमको टेस्ट समझ में आएगा अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो तुमको टेस्ट भी समझ में नहीं आएगा इज इट क्लियर चलिए अब अगला बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज का तो मिथाइल ऑरेंज का वर्किंग पीएच होता है वर्किंग पीएच होता है 2.8 से लेके 4.2 दिस इज द वर्किंग पीएच ऑफ मिथाइल ऑरेंज तो इसका ओरिजिनल कलर ओरिजिनल color is what? It is ordinary. orange red, orange red. ठीक है एंड वर्किंग कलर इज येलो वर्किंग कलर इज वर्किंग कलर इज वर्किंग कलर इज yellow. तो अब तुम बताओ अगर हम बोल रहे हैं मेरे सैंपल का पीएच 4.5 है अगर हम ये बोल रहे हैं मेरे सैंपल का पीएच 4.5 है तो अगर हमने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया है तो सैंपल का कलर क्या दिखेगा रिपीट कर रहा हूं सवाल हमने जो सैंपल का जो मेरे सैंपल का पीएच है वो फोर पॉइंट फाइव है हमने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया है तो मुझे सैंपल का कलर क्या दिखेगा ऑरेंज रेड या येल्लो ऑरेंज रेड या येल्लो मुझे ऑरेंज रेड कलर दिखेगा या येलो कलर दिखेगा बताएंगे बिल विच कलर आई विल सी ऑरेंज रेड और येलो सैंपल का पीएच हैल कलर अगर इस रेन से बाहर है वो ऑरेंज रेड होता है वर्किंग पी एच येल्लो होता है तो अगर आप मिथाइल ऑरेंज डाले हो उस पी एच सैंपल में उस सैंपल में जिसका पी एच फोर पॉइंट फाइव है तो उसका कलर क्या दिखेगा वेरी गुड दैट कलर विल बी ऑरेंज रेड क्लियर है बात अगर आपका सैंपल का पीएच टू पॉइंट एट से फोर पॉइंट टू में है तो उस केस में बोलेंगे सैंपल का कलर क्या दिखेगा आपको येलो दिखेगा सो दीज आर द इंडिकेटर्स जो हम यूज कर रहे होंगे अभी ये आपका इंडिकेटर है जो अभी हम यूज कर रहे होंगे मजा आया ये बात ये बात कितनों को पहले नहीं पता था और ये पूरा पढ़ चुके हैं कितनों को पहले ये सब बात नहीं पता था और ये पूरा पढ़ चुके हैं ये पूरा पढ़ चुके हैं सारा चीज यूज कर चुके हैं ओरिजेंटेड टू येलो पिन टू कलरलेस ये सब यूज कर चुके हो लेकिन कितनों को ये सब बात पता ही नहीं थी चलो ठीक है देखेंगे आगे मेजरमेंट तो मेजरमेंट कैसे करते हैं टाइट्रेशन करते हैं व्हाट वी डू वी गो फॉर टाइट्रेशन हम क्या करते हैं हम टाइट्रेशन करते हैं वी गो फॉर टाइट्रेशन देखिए यहां पे कैसे होता है टाइट्रेशन देखिए यहां पे कैसा होता है टाइट्रेशन हाउ द टाइट्रेशन विल बी देखिए सो मेरे दोस्त आपके पास एक सैंपल है यू हैव अ सैंपल इस सैंपल में मेरे दोस्त आपका अलका एलिमेंट्स है ओ एच माइनस कार्बोनेट बाई कार्बोनेट ठीक है बाई कार्बोनेट आपको टाइट्रेट करना है तो टाइट्रेशन के लिए आप एक ब्यूरेट लोगे विल टेक अ ब्यूरेट विल टेक अ ब्यूरेट ठीक है दिस इज ब्यूरेट ठीक है ये आपका क्या हो गया ये आपका ब्यूरेट हो गया और इस ब्यूरेट में मेरे दोस्त you are going to fill you are going to fill a acid why mere dost oh minus kisko neutralize karega h plus ko to jab h plus ko neutralize ho karega to khud bhi to khatam hoga ya carbonate jab h plus ko neutralize karega तो carbonate जब खत्म हुआ मतलब carbonate जब H+ को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो खुद भी तो खत्म हो रहा है सिमिलरली अगर HCO3- H+ plus को neutralize कर रहा है तो खुद भी तो खत्म हो रहा है एसिड कौन सा एसिड होगा पॉइंट जीरो टू नॉर्मल एच टू एसओ कंटेन एच प्लस इट कंटेन एच प्लस ये क्या कंटेन करेगा इट यू कंटेन एच प्लस ठीक है तो क्या होगा टाइट्रेशन होगा टाइट्रेशन के दौरान क्या होगा ओ एच माइनस एच प्लस पानी बना दिया सीओ थ्री टू माइनस एच प्लस से रियाड करके क्या बना देगा एच टू सीओ थ्री HCO3 H से करके क्या बना देगा एच टू सी बनाता है HCO3 further H से करके H2CO3 बनाता है. Process बात से से करके ये है है बात 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 अब अब समझो समझो को को ध्यान तो हमने क्या कैलकुलेट करना है हमको ये कैलकुलेट करना है कि कितना H प्लस लगा इस अल्कालिनिटी को खत्म करने के लिए कितना H प्लस आयन लगा इस अल्कालिनिटी कॉजिंग एलिमेंट्स को खत्म करने के लिए पहला बात समझ में आया हाउ मच H प्लस आयन इज रिक्वायर्ड कितना एसिड हमको चाहिए इस पूरे अल्कालिनिटी को खत्म करने के लिए हमको ये चाहिए आपने तो सर पढ़ाया था कि अल्कालिनिटी क्या होता है इट्स एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड सही बात है तो भैया तुम अगर दूसरे को मारो मतलब अगर तुम दूसरे को मारोगे उसको चोट लगे तो तुमको भी तो वापस से चोट लगेगा तो अगर तुम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो वो भी तो तुमको न्यूट्रलाइज कर रहा है बात समझा कि नहीं बात समझा कि नहीं पॉइंट इज दिस पॉइंट तो अब देखो हम क्या करते हैं इस सब को एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इन सबको हम एक्सप्रेस करते हैं एज कैल्शियम कार्बोनेट क्लियर है बात हम कैसे लिखते हैं ग्राम इक्वलेंट ग्राम इक्वलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या ग्राम इक्वलेंट ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ अल्कालिनिटी अल्कालिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है आई विल राइट दिस एज ग्राम इक्वलेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्लस ग्राम इक्वालेंट ऑफ कार्बोनेट आयन प्लस ग्राम इक्वालेंट ऑफ बाई कार्बोनेट आयन क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा हुआ है कि ग्राम इक्वालेंट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू ग्राम इक्वालेंट ऑफ एनी अदर थिंग तो हम सबको मतलब ओ एच माइनस का ग्राम इक्वालेंट जितना आया हम उसको एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट का ग्राम इक्वालेंट हम एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हैंट का ग्राम इक्वालेंट हम एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तो तीनों को मिला देंगे तो मेरे को अल्कालिटी देगा इसलिए हम क्या लिखे ग्राम इक्वाल्बोनेट एंड सबको समझ में आ गया ये पॉइंट सबको समझ में आ गया इज पॉइंट क्लियर टू ऑल इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल बोलो भाई ये पॉइंट क्लियर है अब दूसरा पॉइंट समझेंगे अब हम इसको भी एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या हम इसको भी एक्सप्रेस कर रहे हैं किसमें एस सी एस ओ थ्री आई वांट टू एक्सप्रेस दिस एस सी एस सीओ थ्री मुझे इसको भी एक्सप्रेस किसमें करना है मुझे इसको भी एक्सप्रेस करना है एस सी एस ओ थ्री ठीक है बात आई वांट टू एक्सप्रेस दिस एस सी एस सीओ थ्री तो क्या बोलते हैं कि मान लीजिए आपने वन एम यूज किया बेस्ड ऑन द ग्राम इक्वल कॉन्सेप्ट ओनली वन एम ऑफ 0.02 जीरो टू नॉर्मल एच टू एस फोर इज इक्वाल टू वन मिलीग्राम ऑफ अलकालिनी एज सी ए सीओ थ्री वन मिलीग्राम ऑफ अलकालिटी एज सी ए सीओ थ्री मतलब जितना एम एल तुमने एच टू फोर यूज किया पॉइंट जीरो टू नॉर्मल उतना ही मिलीग्राम आपका क्या बन जाएगा अल्कालटी बन जाएगा मतलब अगर पूरे कंप्लीट टाइट्रेशन में अपने बीएमएल अपने पूरे कंप्लीट टाइट्रेशन में मान लीजिए आपने बीएमएल ऑफ पॉइंट जीरो टू नॉर्मल एस टू यूज किया है तो आपके सैंपल का अल्कालिटी कितना होगा सी थ्री यू कैन राइट इट एज द सैंपल अल्कालिटी विल बी नथिंग बट बी मिलीग्राम ऑफ अल्कालिटी एज सी इज दिस पॉइंट क्लियर ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या हमने सिंपल सा बात बोला हमने आपको पॉइंट ये बोला कि देखिए बेटा यहां पे अब ये सारा डिराइव्ड है ये सब हमने डिराइव करते हैं हम क्लास में तो ये जरूरी नहीं है डिराइव करना इसलिए हम आपको ऊपर से बता रहे हैं ठीक है तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए आपने H+ आयंस यूज किया H+ किसको कर रहा है न्यूट्रलाइज कर रहा है ठीक है जितना आपका H2SO4 यूज होगा उतना ही आपका होगा, तो अब इसको एक्सप्रेस किसके कर टर्म, में करेंगे? कर टर्म में करेंगे तो हमने क्या बोला कि अगर है, तो मेरे दोस्त अगर आप वी एम एल यूज किया टोटल कितना होगा टोटल so, मतलब होता है यह मतलब होता है तक 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 ठीक 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 है, यहां है, यहां है। करने से पहले कुछ एजम्पन लेते टाइट्रेशन करने से पहले कुछ एजम्पन लेते हैं। क्या एजम्शन लेते हैं? सबसे पहला एजम्पन जब आप टाइट्रेशन शुरू कर रहे हो तो टाइट्रेशन शुरू करने से पहले सैंपल का पीएच इनिशियल पी एच ऑफ द सैंपल इनिशियल पीएच ऑफ सैंपल इज टेन सैंपल का इनिशियल पीएच क्या है टेन ये एज्यूम किया गया पहला बात दूसरा बात ओ एच माइनस एंड बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज

ये पॉइंट समझ में आया तो ये वो। अभी एजमशनशन क्यों लिया है आगे के फेज में बता रहे होंगे अभी का होंगे तो जगह पे आ चुके इंडिकेटर्स के बारे में समझ लिया आपने ये समझ लिया कि हाउ दिस विल वर्क टाइट्रेशन काम कैसे कर रहा होगा जितना एम एल यूज हो कैसे हम यूज करेंगे और जो भी मेरा कंसंट्रेशन आया उसको हम कैसे प्रेस करेंगे आज सी एस सी ओ थ्री तो ये सारी बातें आप समझ चुके हो और अपने एजम्पशन भी देख लिया ठीक है तो मेरे दोस्त हम सबसे पहले ऐड करने जा रहे हैं फेनोक्थिलीन अभी हमने टाइट्रेशन शुरू नहीं किया है हमने सैंपल में ऐड किया फेनोक्थिलीन हमने टाइट्रेशन शुरू नहीं किया हमने ऐड किया है फेनोक्थिलीन तो अगर आपने फेनोथिलीन सैंपल में डाला है, मैंने बोला सैंपल का इनिशियल पीएच टेन होगा तो सैंपल का कलर क्या हो जाएगा सैंपल का पीएच क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे द पीएच टेन होता है टाइट्रेशन अभी शुरू आपने नहीं किया है एच प्लस एड होना शुरू नहीं हुआ है आपने फेनोथिलीन इंडिकेटर सैंपल में डाल दिया है तो सैंपल का कलर क्या बन जाएगा सैंपल का कलर क्या बन जाएगा वट विल बी द सैंपल कलर वेटिंग फॉर योर आंसर सैंपल का कलर क्या बन जाएगा सैंपल कलर विन इंटू पिंक अभी सैंपल का क्या था टेन था पीएच अभी टेन था सैंपल का कलर हो गया पिंक ठीक है टाइटेशन क्यों पिंक हुआ क्योंकि इसके वर्किंग रेंज में था एट पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री वर्किंग रेंज है या नहीं है टेन है. पे बात करो वर्किंग रेंज है यस yes. तो सैंपल कलर भी चेंज इंटू पिंक पिंक हो जाएगा पीएच टेन है यहां पर तो आपका सैंपल का कलर क्या हो गया पिंक हो गया अब उसके बाद मेरे दोस्त यू स्टार्टेड द टाइट्रेशन स्टार्ट टाइट्रेशन आपने टाइट्रेशन शुरू की तो जब आपने टाइट्रेशन शुरू किया व्हेन यू स्टार्टेड द टाइट्रेशन तो सैंपल का पीएच बढ़ेगा या कम होगा आपके सैंपल में आप एच प्लस एड कर रहे हो तो एच प्लस के एड करने से सैंपल का पीएच बढ़ेगा या कम होगा जल्दी से बताओगे यू स्टार्टेड द टाइट्रेशन आप टाइट्रेशन शुरू कर दिए हो आप H प्लस एड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एच टू फोर पॉइंट जीरो टू नॉर्मल एच टू फोर तो आप अगर सैंपल में H प्लस एड कर रहे हो तो सैंपल का पीएच बढ़ेगा या कम होगा पी एच ऑफ द सैंपल विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज सैंपल का पीएच कम होगा तो मेरे दोस्त क्या हो रहा है आप टाइट्रेशन कर रहे हो धीरे धीरे सैंपल का पीएच कम होते जा रहा है 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 अब एक पॉइंट ऐसा तो पहुंचेगा जब सैंपल का पीएच वो आ गया जब पानी फेनोर्थिलीन के वर्किंग पीएच को से बाहर निकल गया जब पानी का पीएच फेनॉर्थिलीन के वर्किंग पीएच से बाहर निकल गया मतलब उसके पीएच से क्या हो गया कम हो गया उसके पीएच से क्या हो गया कम हो गया तो हम लेते हैं पीएच एट पॉइंट थ्री हम लेते हैं पीएच 8.3 तो आप टाइट्रेशन कर रहे हो पीएच पहुंच गया 8.3 पे तो जब पीएच पहुंच गया 8.3 पे तो सैंपल का कलर क्या हो जाएगा अब जब पीएच पहुंच गया 8.3 में विच इज बियॉन्ड द वर्किंग रेंज ऑफ विच इज बियॉन्ड द वर्किंग रेंज ऑफ एन इंडिकेटर तो अब सैंपल का कलर क्या होगा वट वि कलर ऑफ द सैंपल इट विल चेंज टू कलरलेस इट विल चेंज टू कलरलेस तो आपने टाइट्रेशन किया धीरे 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 टाइट्रेशन करते गए करते गए करते गए सैंपल का कलर पिंक से किसमें चेंज हो गया कलरलेस हो गया यह मार्क करता है योर एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन आपका पहला स्टेज ऑफ टाइट्रेशन क्या होता है यहां पर खत्म होता है

समझ में यहाँ यहां सबको बोलो भाई यहां तक किसी को कोई डाउट यहां तक किसी को कोई डाउट सो वाई एक्सिस मैं बना रहा हूं पी एच और एच एक्सिस पी एच है आपका टेन टेन पे अभी आपने कोई वॉल्यूम यूज नहीं किया आप पहुंचे कहां पे 8.3 पे और 8.3 तक पहुंचते पहुंचते आपका फेनोक्लिन का मतलब जो पहला स्टेज है वो क्या हो गया वो खत्म हो गया वो आपका खत्म हो गया इस तरीके का डायग्राम आपको दिखा रहे so, आपका कौन सा स्टेज है? है, है सब बात करेंगे पहले बेसिक समझो तो यहां पे आपने क्या यूज किया फेनोक्लिन यूज किया यहां पे सैंपल का कलर क्या था सैंपल कलर एट दिस पॉइंट वॉज पिंक ठीक है यहां पे लिख दे रहे इस स्टेज में सैंपल का कलर क्या था पिंक और पिंक से किस में कन्वर्ट हो गया कलरलेस में कन्वर्ट हो गया कलरलेस में कन्वर्ट हो गया तो ये आपको देगा यहां पे इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पी एल दैट इज फेन ऑफ

इन द सेकेंड स्टेज माय डियर फ्रेंड सेकेंड स्टेज में क्या होने वाला अब आप ऐड करोगे मिथाइल ऑरेंज नाउ ये तो आपका हो गया स्टेज वन स्टेज वन आपने फिनोक्थिलीन ऐड किया है एट पॉइंट मतलब सैंपल कलरलेस हो गया है ब्यूरेट से एसिड जाना बंद मतलब ब्यूरेट के थ्रू एसिड को नीचे ड्रॉप करना आपने बंद कर दिया था ठीक है अब आपने डाला मिथाइल ऑरेंज दैट इज द स्टेज टू ज तो अब आप मिथाइल ऑरेंज जब डाल रहे हो तो सैंपल का पी एच है एट पॉइंट थ्री दी एच ऑफ दॉइंट थ्री तो अब मुझे आप यह बताओ सैंपल का कलर क्या हो जाएगा जब आप मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हो इन अ सैंपल उस पी एच इज एट पॉइंट थ्री तो सैंपल का कलर क्या हो जाएगा वट विल बी द कलर ऑफ द सैंपल वट विल बी कलर ऑफ द सैंपल व्हाट विल बी कलर ऑफ द सैंपल बताएंगे दोस्त वट विल बी कलर ऑफ द सैंपल कलर ऑफ द सैंपल विल बी ऑरेंज रेड सो पीएच एट पॉइंट थ्री कलर ऑफ द सैंपल इज ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड जाएगा ठीक है अभी आपने कोई टाइट्रेशन नहीं किया है यू हैवंट स्टार्टेड द टाइट्रेशन ये आपका ऑरेंज रेड कलर है अब अगेन आप टाइट्रेशन को आगे ले जा रहे हो टाइट्रेशन स्टार्टेड टाइट्रेशन स्टार्टेड तो जब आप टाइट्रेशन को स्टार्ट किए हो तो अगेन पीएच क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा नाउ यू स्टार्टेड द टाइट्रेशन नाउ स्टार्टेड द टाइट्रेशन

तो मेरे दोस्त क्या लगता है सैंपल का पीएच क्या होना चाहिए मेरे दोस्त क्या लगता है सैंपल का पीएच क्या होना चाहिए सैंपल का कलर बदल गया ऑरेंज रेड से येलो तो क्या लगता है सैंपल का पीएच क्या होना चाहिए यस yes. यस yes. बताओ 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 जल्दी बताओ द वर्किंग रेंज फॉर ऑरेंज इज 2.8 पॉइंट एट टू फोर पॉइंट टू सैंपल का पीएच क्या होगा जब ये येलो में कन्वर्ट हो गया जनरली आप लोग बोलोगे सर 4.2 होगा जनरली जैसे बोलोगे पॉइंट 4.2 पहुंचेगा सर वो ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एकदम सही बात है लेकिन हम मांग के चलते हैं 4.5 पॉइंट वाई देखो जब आप टाइट्रेशन कर रहे होते हो जब आप टाइट्रेशन कर रहे होते हो तो एक छोटा सा बूंद भी आप इच्छा पड़ गया

8.3 से 4.5 दैट वाज माय सेकंड स्टेज ऑफ टाइट्रेशन दैट वाज माय सेकंड स्टेज ऑफ टाइट्रेशन जब आपने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया व्हेन यू एडेड द मिथाइल ऑरेंज सैंपल का कलर क्या हो गया ऑरेंज रेड और जब टाइट्रेशन खत्म हुआ तो सैंपल का कलर क्या हो गया येलो हो गया इज इट क्लियर सैंपल का कलर क्या हो गया येलो हो गया तो वो आपका पहला स्टेज था दिस इज द सेकंड स्टेज

एंड ऑफ हाइड्रेशन इट विल रीच टू द येलो क्लियर है यहां तक पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक समझ में आया तो आगे बात करेंगे यहां तक समझ में आया फिर आगे बात करें तो इसको हम बोल रहे हैं देखो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि भैया मेरे आपने 8.3 से शुरू किया आपने उसके नॉन वर्किंग रेंज में ऐड किया तो सैंपल का कलर हो गया ऑरेंज रेड क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज रेड होता है अब आप टाइट्रेट कर रहे हो

ऑरेंज अल्कालिनिटी, मिथाइल ऑरेंज अल्कालिनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं 4.5 पे एक्चुअल में आपका हम ये मांग के चलते हैं कि पूरी अल्कालिनिटी खत्म हो गई है बट होता क्या है कि आप टाइट्रेशन करते समय एक बूंद भी एक्स्ट्रा ड्रॉप कर दोगे तो पीएच आपका घटता है, है इसी कारण से हमने 4.5 पे माना है बट uh, मतलब होता 4.5 पे आपका कलर चेंज 4.2 पे दिखेगा ठीक है, है clear है चलिए तक बात। बात अब समझोगे को ध्यान से। so, पहला assumption क्यों लिया? ये समझ में आया। why we took the first assumption? ये point clear है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर सबको पहला एजम्शन सबको क्लियर हो गया पहला एजम्पन पीएच को टेन लेना होगा ये क्लियर होगा अब दूसरा एजम्पन ने ये लिया था कि OH- माइनस और बाई कार्बोनेट सेम टाइम पे न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता OH- माइनस एंड बाइ कार्बोनेट सेम टाइम पे न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता Although we have all three in the sample. तीनों मेरे सैंपल में है तो अब समझो क्या होगा पहले स्टेज में जो पहले स्टेज ऑफ टाइट्रेशन वहां पे कौन कौन न्यूट्रलाइज हो रहा है वहां पे कौन कौन न्यूट्रलाइज हो रहा है देखो इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन OH माइनस इज द H प्लस टू फॉर्म एच टू कार्बोनेट आयन इज रियक्टिंग विद प्लस टू फॉर्म बाई कार्बोनेट एच सीओ थ्री माइनस ठीक है यह आपका पहला स्टेज में हो रहा है दिस इज द फर्स्ट स्टेज दिस इज द फर्स्ट स्टेज तो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ है कार्बोनेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बाई कार्बोनेट यह कंप्लीट रिमूव नहीं हो रहा है ठीक है कार्बोनेट अपना दूसरा फॉर्म में में चला गया डेट इज बाई कार्बोनेट सो जब हम बात कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं टेन टू एट पॉइंट थ्री ठीक है फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन तो पहले स्टेज में क्या हो रहा है हाइड्रोक्साइड रिमूव हो जा रहा है और कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है बाई में कन्वर्ट हो रहा है यहां तक क्लियर यहां तक क्लियर अब देखो इन द सेकेंड स्टेज वॉट विल हैपन जो कार्बोनेट पहले से प्रेजेंट था जो कार्बोनेट पहले से प्रेजेंट था वो रिएक्ट करके बनाएगा एच टू थ्री और जो कार्बोनेट जो बाई कार्बोनेट आपका फॉर्म हुआ था कार्बोनेट से वो रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म एच टू थ्री बात समझ में आया कि नहीं आया बात समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त आपके सैंपल में

तो हम क्या बोलते हैं इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन डैट इज जो आपको क्या दे रहा है पी अलकालिटी दे रहा है पी अलकालिटी दे रहा है क्या क्या रिमूव हो गया ओ एच माइनस कंप्लीटली रिमूव एच माइनस कंप्लीटली रिमूव कंप्लीटली रिमूव अरे क्या हो रहा है ओ एच माइनस क्या हो गया कंप्लीटली रिमूव हो गया ठीक है और मेरे दोस्त कार्बोनेट क्योंकि मेरे दोस्त कार्बोनेट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि फिफ्टी परसेंट रिमूव हुआ है तो कार्बोनेट वन फॉर्म ऑफ अल्की से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है जिसको फर्दर एच प्लस चाहिए होगा रिमूवल के लिए तो हम इसलिए बोलेंगे इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल बोलोगे जल्दी से इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन आपका

जहां पे आपको कांटी तो कांटी दो, दो चीज को देगा पचास प्रतिशत कार्बोनेट और कंप्लीट हाइड्रोक्साइड ठीक है दूसरा बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ टाइट्रेशन सेकेंड स्टेज ऑफ टाइट्रेशन तो सेकेंड स्टेज ऑफ टाइट्रेशन में अगर आप बात कर रहे हो तो बाइकार्बोनेट कंप्लीट रिमूव बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट कंप्लीटली रिमूव कंप्लीटली रिमूव यस और नो और जो कार्बोनेट बच गया था मतलब 50 प्रतिशत कार्बोनेट जो बाई कार्बोनेट के फॉर्म में था वो भी रिमूव होगा तो हम बोल सकते हैं जो रिमेनिंग कार्बोनेट उसका रिमूवल रिमेनिंग कार्बोनेट रिमेनिंग कार्बोनेट, रिमेंग कार्बोनेट रिमूव्ड, रिमूव्ड कंप्लीटली मतलब जब हम बात कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं किसका एम अलकालिनिटी डेट इज मिथाइल ऑरेंज अल्काली जब हम बात करें मिथाइल ऑरेंज अल्काली तो यहां पे कौन कौन रिमूव होगा बाई कार्बोनेट पूरा बाई कार्बोनेट पूरा और जो आधा कार्बोनेट आधा कार्बोनेट जो रह गया था वो रिमूव होगा

ज पी कांटी, एम कांटी। ऐसे ही थोड़ी दो नंबर का कंफर्म सवाल आता है यहाँ से दो नंबर का हार्डनेस कांटी से मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल पूछा जाता है और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का इस सब्जेक्ट uh, का दैट इज इन द क्वालिटी ऑफ वॉटर दैट इज एम पी एन मोस्ट प्रोबेबल नंबर और इंपॉर्टेंट पार्ट है मोस्ट प्रोबेबल नंबर ठीक है यहां तक अब समझो यहां पे। मान लीजिए अब हम वॉल्यूम के बात कर रहे हैं तो जीरो से लेके जीरो से लेके जब आपने टाइट्रेशन शुरू किया जब पहला स्टेज खत्म हुआ आपने पी एम एल यूज किया था आपने पी एम एल यूज किया था और जब आपका सेकेंड स्टेज खत्म हुआ फ्रॉम जीरो आपका एम एम एल यूज हुआ था इज इट क्लियर तो अब ये एम एल में बात कर रहे हैं किसका जो एसिड आपने यूज किया फ्रॉम जीरो पॉइंट फ्रॉम जीरो पॉइंट सो पी एम एल करस्पॉन्ड टू फर्स्ट स्टेज फ्रॉम द जीरो एमएमएल करस्पॉन्ड्स टू जीरो टू द एंड ऑफ द टाइट्रेशन जब का टाइट्रेशन खत्म हो गया जब कंप्लीट रिमोव हो गया सारे अल्काटी अलकाटिकॉज अनायंस का यस yes? चलो तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब मुझे ये बताओ पीएमएल कौन कौन से आयंस को रिमूव करेगा और एमएमएल कौन-कौन से आयंस को रिमूव करेगा बताओ अगर ये पॉइंट क्लियर है तो ये बताओ पीएमएल कौन-कौन से आयंस को रिमूव करेगा और एमएमएल कौन-कौन से आयंस को रिमूव करेगा अब बात करो पीएमएल ऑफ H2SO4 किन-किन आयन को न्यूट्रलाइज किया और एमएमएल ऑफ H2SO4 किन-किन आयंस को न्यूट्रलाइज किया यस एमएमएल स्टार्ट इन ये बेटा 0 से तभी तो मार्क किया 0 से मार्क करके दिखाएं बताओगे बताओगे पीएमएल मार्क्स फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन पीएमएल मार्स फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन तो पीएमएल किसको किसको न्यूट्रलाइज किया इट विल न्यूट्रलाइज इट विल न्यूट्रलाइज कॉस्टिक अलकांटी एंड आधा कार्बोनेट आधा कार्बोनेट ये करेगा बोलो हाँ या ना। इट इज ओ एच माइनस एंड आधा कार्बोनेट और अगर हम एम एम एल का बात करें जो स्टार्ट से लेके एंड की बात कर रहा है तो यह सबको रिमूव कर देगा ओ एच माइनस एच सी ओ थ्री माइनस एंड बाई कार्बोनेट सॉरी कार्बोनेट वेरी गुड सो ये बात हुआ किसका एमएल का ये बात हुआ एमएल का अब यही अगर हम लिख लिखते पी अलकालीनिटी तो पीएलकाटी किसके कारण होगा पीएलकाटी होगा ओ एच माइनस एंड आधा कार्बोनेट पीएलकाटी होगा ओ OH एच माइनस एंड आधा कार्बोनेट और अगर हम लिख रहे हैं एम अलकालिटी तो एमअलकाटी किसके कारण होगा ओ एच माइनस सॉरी एम अलका्टी डेट इज for HCO3 and other carbonate. Is this point clear? Is this point clear? I can also write mL is equal to P alkalinity, P alkalinity plus M alkalinity. I can also write this. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं पी एल plus m एम सारा आप एक्सप्रेस कर रहे ऑल आर एक्सप्रेसिंग एज सी ओ थ्री लाइव ही तो चल रहा भाई अब कैसे लाइव चलता है नॉट लाइव मतलब किस तरीके से लाइव चलता है अलग ही प्राणी हो भाई तुम लोग इज इट क्लियर टू ऑल इज इट क्लियर टू ऑल बोलो अब ये सारे सवाल तुमसे पूछ लेंगे रिलेशन बना के तुमसे अभी पूछवाएंगे हम ठीक है अब रिलेशन बनवा देंगे और बोलेंगे बताओ क्या होगा क्लियर है बात क्लियर है बात इसी पे रिलेशन बन जाता है इसी पे रिलेशन बन जाता है अब अगर हम एम एम एल बोल रहे हैं आई कैन राइट दिस एज पी एम एल एज वट पी मिलीग्राम ऑफ अल एस सी एस सी होती आई कैन राइट दिस बिकॉज वन एम एल

सी एस थ्री आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल बोलो भाई यहां तक कोई डाउट बोलो भाई यहां तक कोई डाउट मजा आया कुछ नया सीखा कुछ नया सीखा

चलिए तो अब कुछ रिलेशन देख लेते हैं लेट अस लुक एट सम रिलेशन लेट अस लुक एट सम रिलेशन ओके लेट अस लुक एट सम रिलेशन सो मेरे दोस्त आपने पी और एम अब एम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं बालकांटी की बात नहीं कर रहे पी और एम एम की बात कर रहे हैं अगर हम ये बोल रहे हैं कि पी जीरो है एंड एम इज नॉट इक्वल टू जीरो पी जीरो है

आपका बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट कार्बोनेट तो मेरे दोस्त अगर ये जीरो है मतलब क्या है देखो कभी भी कंसंट्रेशन किसी पार्टिकल का नेगेटिव नहीं होगा तो अगर ये जीरो है मतलब क्या होगा कभी भी कंसंट्रेशन किसी भी पार्टिकल का जीरो नहीं हो सकता तो अगर ये जीरो है मतलब क्या हुआ? नाइदर ओ एच माइनस इज प्रेजेंट नाइदर कार्बोनेट इज प्रेजेंट इज दिस पॉइंट क्लियर हाँ बस बोल दिए कार्बोनेट बाई कार्बोनेट प्रेजेंट है पी जीरो है नाइदर इधर कार्बो हाइड्रोक्साइड विल बी देयर नाइदर कार्बोनेट विल बी देयर तभी वो जीरो पॉसिबल है ये निगेटिव नहीं होता है ये निगेटिव नहीं होता है रट्टू तो होता है रटना बंद करो ठीक है अब ओ एच माइनस गया कार्बोनेट गया मतलब जो भी आप एम बताओगे किसका बताओगे बाई कार्बोनेट का बताओगे ओनली बाई कार्बोनेट इज तो प्रेजेंट ओनली बाई कार्बोनेट इज प्रेजेंट ओनली बाई कार्बोनेट इज प्रेजेंट यहां से कंक्लूजन क्या निकला बाई कार्बोनेट इज प्रेजेंट समझ में आया सबको कैसे निकालते हैं समझ में आया सबको कैसे निकालते हैं बोलो भाई सो ओनली बाई कार्बोनेट इज प्रेजेंट सिर्फ बाई कार्बोनेट ही प्रेजेंट होगा बाकी कोई प्रेजेंट नहीं होगा क्लियर है तो आपका पहला था दूसरा दूसरा कंडीशन है इज इक्वल टू एम अब ये एम एल की बात करें और क्वांटिटी की बात नहीं करें पहले हम बता दे रहे अब पी एम के बराबर है अब बोलो क्या करेंगे जब पी एम के बराबर है क्या कंडीशन बनाओगे कैसे फिफ्टी परसेंट रहेगा भाई सही में बेवकूफ है यार यही कार्बोनेट आगे बढ़ेगा ना भाई तो अगर कार्बोनेट यहां पे नहीं हुआ तो आगे कहां से बढ़ जाएगा अगर कार्बोनेट यहीं पे नहीं होगा तो आगे कहां से बढ़ जाएगा तो कहां से 50 परसेंट आ गया P बराबर बताओ क्या कंडीशन है क्वेश्चन पुट करो समझ में आ जाएगा ओ एच माइनस प्लस आधा कार्बोनेट ये बराबर है किसके ओ एच माइनस प्लस फुल कार्बोनेट प्लस बाई कार्बोनेट अब बोलो कब ये पॉसिबल है हाउ इज इट पॉसिबल हाउ इज इट पॉसिबल कैसे पॉसिबल होगा कैसे पॉसिबल होगा कैसे पॉसिबल होगा पी e बराबर एम है ई e बराबर एम है कैसे पॉसिबल होगा ई इज इक्वल टू एम How is it possible? क्या प्रेजेंट होगा ओनली OH गुड देखो अगर ये बराबर होना है, आधा कार्बोनेट, तो 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 मतलब दूसरा एच सी थ्री माइनस को भी जीरो करना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल होगा तभी ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन ओ OH एच माइनस के बराबर होगा बात समझा कि नहीं समझा ये yes? तो यहां पे मेरा कंक्लूजन क्या है ओनली कॉस्टिक अलकालिटी इज प्रेजेंट मजा आया मजा आया कि नहीं आया मजा आया कि नहीं आया बोलो भाई कुछ रटना नहीं है कुछ रटने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट तुम देख के जवाब दे दोगे डायरेक्ट तुम देख के जवाब दे दोगे थर्ड पी इज ग्रेटर देन एम बाई टू P is greater than M by 2. अब डोमिनेंस बताना है कौन डोमिनेंट है अब हो सकता है बाकी प्रेजेंट अब डोमिनेंस बताना है P is greater than M by 2. अब बताना है. इज मोर नीड टू सी द डोमिनेंस P is greater than M by 2. तो so, ओ OH एच माइनस प्लस आधा कार्बोनेट ठीक है इज ग्रेटर देन एच OH माइनस का आधा ओ एच माइनस का आधा प्लस कार्बोनेट का आधा प्लस बाइकार्बोनेट का आधा क्लियर क्लियर है है बात क्लेर बात तो अब देखो यहां पे आधा कार्बोनेट आधा कार्बोनेट कट गया है काटा है मैंने इसका मतलब ये नहीं जीरो होगा हमने काटा है इसका मतलब ये नहीं है जीरो होगा ओ OH एच माइनस इधर गया तो ओ एच माइनस बाई टू तो टू भी काट दो आपके पास ये आएगा कि ओ एच माइनस इज ग्रेटरबोनेट यस और नो हमारे पास ये आएगा ओ एच माइनस इज ग्रेटर देन बाई कार्बोनेट ठीक है बात तो भाई कार्बोनेट तो हो ही सकता है कार्बोनेट तो दोनों में इक्वल होगा राइट तो कैन ए राइट कैन ए राइट एच माइनस एंड कार्बोनेट इज डोमिनेट ओ एच माइनस और कार्बोनेट क्या होगा डॉमिनेंट होगा लिख सकते हैं क्या कैरी राइट ओ एच माइनस एंड कार्बोनेट इज डॉमिनेंट क्यों भाई बड़े कार्बोनेट का कोई भी कंसेंट्रेशन यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा फर्क किससे पड़ रहा है ओ एच माइनस और बाई कार्बोनेट से तो उसमें हमने कंपेयर कर लिया तो इसमें हमने क्या लिखा ओ एच माइनस एंड कार्बोनेट इज डॉमिनेंट क्लियर है बात क्लियर है बात चलिए अगर ये क्लियर है लेट सी द फोर्थ वन, तो फोर्थ वन तुम बता दो पी लेस देन एम बाई टू फोर्थ वन तुम बता दो पी लेस देन एम बाई टू पी लेस देन एम बाई टू में क्या होगा यू विल गेट द कंडीशन ओ एच माइनस इज लेस देन बाई कार्बोनेट आपको ये कंडीशन मिल रहा होगा तो क्या कंक्लूजन क्या निकाल रहे होंगे वट विल बी द कंक्लूजन कंक्लूजन क्या निकालोगे कंक्लूजन क्या निकालोगे कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट इज डोमिनेट यस और नो कंक्लूजन आपका यही होगा कि कार्बोनेट बाई कार्बोनेट क्या है डॉमिनेंट है इज मत लिखो आर लिखो एनी डाउट एनी डाउट हाँ बाई कार्बोनेट सिर्फ नहीं लिखेंगे कार्बोनेट ऐड करेंगे उसमें क्योंकि कार्बोनेट तो आपने कट कर दिया उसका कोई भी कंसेंट्रेशन हो क्या फर्क पड़ता है वो तो दोनों साइड से कट हो गया था ना फिफ तुम बताओ P बराबर एम बाई टू बड़ा मजेदार है ये, ये बड़ा मजेदार है P बराबर एम बाई टू क्या पॉसिबिलिटी है P बराबर एम बाई टू एच माइनस प्लस आधा कार्बोनेट इज इक्वल टू ओ OH एच माइनस का आधा प्लस कार्बोनेट का आधा प्लस कार्बोनेट का आधा ये आपको बोल रहा है ये आपको बोल रहा है हाँ भाई कब ये कंडीशन पॉसिबल है वेन कैन दिस भी पॉसिबल अगर तुम तो इसको रीअरेंज करोगे तो यहां बनेगा ओ एच माइनस बाई टू प्लस कार्बोनेट का आधा इज इक्वल टू कार्बोनेट का आधा प्लस बाई कार्बोनेट का आधा कब ये कंडीशन पॉसिबल है क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती है सबसे पहला पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं हम कि कार्बोनेट नहीं है हम बोल रहे हैं कार्बोनेट इज जीरो और क्या बोल रहे हैं ओ OH एच माइनस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू एक्सो थ्री माइनस क्या हम ऐसा कंडीशन बना सकते हैं क्या हम ऐसा कंडीशन बना सकते हैं टेल मी यस और नो फ्रेम दिस कंडीशन डियर फ्रेंड दूसरा कंडीशन ये है ठीक है ये इक्वल टू जीरो दूसरा कंडीशन ये है कि ओ एच माइनस एंड बाई कार्बोनेट बोथ आर इक्वल टू जीरो दोनों क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और सिर्फ आपको कार्बोनेट प्रेजेंट है सीओ थ्री टू माइनस इज प्रेजेंट ये भी तो हम बना सकते हैं ये भी तो बना सकते हैं तीसरा कंडीशन क्या बना सकते हैं दोनों को मिला दो माइनस इज इक्वल टू एच सी थ्री माइनस एंड नॉट इक्वल टू जीरो और क्या बोल सकते हैं कार्बोनेट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो भी तो बोल सकते हैं ना मतलब आपके तीनों प्रेजेंट है जिसमें से ओ एच माइनस और बाई कार्बोनेट दोनों का कंसेंट्रेशन क्या है सेम है ये भी बोल सकते हैं टेल मी येस ऑर नो ये तीनों केस पॉसिबल है मेरे दोस्त ऑल द्री केसेस आर पॉसिबल ऑल द्री केसेज आर पॉसिबल ऑल द थ्री केसेज आर पॉसिबल यस ऑल द थ्री केसेज आर पॉसिबल ये तीनों केस आपके पॉसिबल है इन द लास्ट वन इन द लास्ट वन चलिए अब तुम मुझे यह बताओ अब तुम मुझे यह बताओ पानी का पीएच पानी का पीएच कहां से कहां तक होगा पानी का पीएच कहां से कहां तक होगा पानी का पीएच कहां से कहां तक होगा जो आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रोवाइड करते हो वो पीएच कहां से कहां तक होता है साढ़े छे से लेकर साढ़े आठ अब साढ़े छे से लेके साढ़े आठ में कौन प्रेजेंट है किसका डोमिनेंस है साढ़े छ से लेकर साढ़े आठ में डोमिनेंस कौन से आयंस का है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का है तो अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का डोमिनेंस है तो क्या बोल सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर वी प्रेफर दिस कंडीशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर दिस कंडीशन इज प्रेफर्ड इस कंडीशन को प्रेफर किया जाता है बिकॉज पानी का पी एच साढ़े छह से साढ़े आठ होता है और इस पी में मेरे दोस्त इस पी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का डोमिनेंस होता है और वो डोमिनेंस तब आपको दिखेगा जब पी इज लेस देन एम बाई टू इस कंडीशन में आप यू प्रेफर आप जो पानी पी को प्रेफर करोगे वहां पे जो पी होगा डेट शुड बी लेस देन एम बाई टू ये पॉइंट क्लियर हुआ ये पॉइंट क्लियर हुआ साढ़े से साढ़े में आपने यहां पे देखा ना जी साढ़े से साढ़े में

क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक चलो अब मेरे दोस्त लास्ट पॉइंट है अपना लिमिट्स तो लिमिट्स हम देखते हैं कौन से आईएस कोड से आईएस 10500 2012 2012 आईएस 10500 जो आपके लिमिट्स डिसाइड करता है पीने के पानी का जो आप ड्रिंकिंग वाटर जो आप ले, जो पियोगे पानी वो लिमिट कौन डिसाइड करेगा आईएस कोड आईएस 10500 क्लियर बात आईएस 10500 तो ये आपको बता रहा होगा तो क्या बोलता है क्या बोलता है भाई अलकालिटी एंड हार्डनेस के लिए तो हम बात करें किसके लिए अलकालिन के लिए तो देखिए आप यहां पे टोटल अलक करके दिया होगा देखो यहां पे, टोटल अलकाली टोटल अलकालिनटी ओके hmm, okay, नीचे दिया हुआ है यहां पे दिया हुआ है दिख नहीं रहा है ये दिख नहीं रहा है छोटा सा बहुत है तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे लिमिट्स क्या होगा एक्सेप्टेबल लिमिट एक्सेप्टेबल लिमिट एक्सेप्टेबल लिमिट इज 200 मिलीग्राम पर लीटर 200 मिलीग्राम पर लीटर एंड रेजेक्शन लिमिट या परमिसिबल लिमिट परमिसिबल लिमिट परमिसिबल लिमिट या कॉस्ट फॉर रिजेक्शन दैट विल बी हाउ मच 600 मिलीग्राम पर लीटर 600 मिलीग्राम पर लीटर सो टू हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल कैसा लगा सर अल्काल्टी का सेशन कुछ नया सीखे इनफैक्ट जो भी लोग पहले पढ़ भी चुके थे कुछ नया सीखने को मिला अभी नुमड़कल कराएंगे डोंट वरी हार्डनेस हो जाने दो अलकार्टी हार्डनेस का साथ में नुमड़कल कराएंगे कुछ नया सीखने को मिला सो so, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सेशन आपको मदद किया होगा आपके कॉन्सेप्ट्स को और बेटर बनाया होगा है ना और अच्छे से आपको चीजों को समझ में आया होगा सो so, वही मेरा मेन मोटो था इस सेशन को लेने का डेढ़ घंटे में हमने अगर अलकांटी खत्म कर दी बढ़िया तरीके से इससे बढ़े क्या होगा राइट right. चलिए

और बाकी आपको सारे नोट्स अन अकेडमी गेट सी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते हैं यू कैन ऑल्सो जॉइन माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप बाट इन स्टूडेंट्स फॉर एनी फर्दर क्वेरी सो थैंक यू सो मच सो कीप लाइक इन द वीडियो शेयर करते रहो ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू हिट द बेल आइकन तो मिलते हैं हम लोग बाय बाय टेक केयर गुड नाइट The GATE and ESE civil engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in depth topic wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started.